नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है यश कुरचानिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बटेक्स में। और दोस्तों, घड़ी कर रही है इशारा टॉप टेक न्यूज़ का, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की सबसे पहली टेक न्यूज़ के बात की जाए तो वो आ रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी भारत के टेक बडीज़ हैं उन सभी को यहाँ पे मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा है कि हमने जो 59 एप्लीकेशंस चाइना की बैन की हैं, अब उसके समाधान के लिए यहाँ पे सभी जो टेक बडीज़ हैं उनको संबोधित किया और यहाँ पे बोला है कि आप आएँ और इस इनोवेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 8 तरीके की कैटेगरीज रखी हैं, जिनका सब डिवीजन भी हैं, सब कैटेगरीज भी हैं। यहाँ पे 8 कैटेगरी हैं, जिसमें ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, बिजनेस इंक्लूडिंग एग्रीटेक एंड फाइनटेक, न्यूज़ और गेम्स का यहाँ पे जो है कैटेगरीज़ हैं और इनके सब कैटेगरीज़ हैं। तो दोस्तों, आप अगर एक टैग बड़ी है तो आप इसके ऊपर प्रोग्राम करके इनके इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं और यहाँ पे आप भी मदद कर सकते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने में। और वहीं दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे की टेक न्यूज़ की तरफ बढ़ें, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें और आप हमेशा टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहें। वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है इसरो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसरो के मंगलयान ने कैप्चर किया है कुछ मास के बिगेस्ट मून फोब्स का। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कुछ इसमें का जो इमेज है वो इसरो के मंगलयान ने कैप्चर किया है। वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है फेसबुक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक टाई कर रहा है CBSE के साथ, एक ऑफर कर रहा है सर्टिफाइड ट्रेनिंग डिजिटल सेफ्टी और AR जो है उसके ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स को। यहाँ पे फेसबुक ने जो है एम किया है टोटल 40,000 स्टूडेंट्स को ये सब टीच करने का, सिखाने का। और यहाँ पे जो है ये उनका एक फ्रेश मूव है, जो कि जो फेसबुक को भी अपने एक प्रेजेंस जो है एजुकेशन सेक्टर में वो दर्ज कराएगा और यहाँ पे ऐसा फेसबुक चाहता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है पबजी को लेके। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय बाद मैं आपको पबजी के बारे में न्यूज़ दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे एक जागरूकता के लिए मैं ये न्यूज़ दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे कुछ हुआ यूँ है कि पबजी खेलने वाले एक 16 साल के बच्चे ने एक्चुअली में क्या किया है कि पंजाब के अंदर उनके ग्रैंडफादर के जो पेंशन अकाउंट है उसमें से 2 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं पबजी खेलने में, वो भी पेटीएम अकाउंट की मदद से। और भैया यहाँ पे उनने तो गजब ही कर दिया। ऐसे ही दोस्तों, मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर में भी एक जो है पबजी को लेके न्यूज़ आई थी वो पढ़ी थी कि वहाँ पे एक बच्चे ने मतलब कि यहाँ तो 2 लाख ही है, वहाँ पे 16 लाख रुपये एम्यूनिशन और उसमें पता नहीं क्या क्या जो फैसिलिटीज़ हैं उनको खरीदने के चक्कर में उसने बच्चे ने अपनी मम्मी पापा के अकाउंट में से 16 लाख रुपये खर्च कर दिए। अगर मेरी न्यूज़ आप में से कोई बड़ा या फिर कोई भी जो भी देख रहे हैं तो मैं भैया ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो काम हैं वो थोड़े सोच समझ के करें। गेम है यार, उसमें एक्चुअली में दो या मतलब इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इतना भी किस बात का एडिक्ट होना। वहीं दोस्तों, अब इसके बाद अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M41 जो है वो टिप्ड किया गया, स्पॉट किया गया है 3C सर्टिफिकेशन साइट पे, जिससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में उसके अंदर हमें 6800 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ऐसी कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। वहीं दोस्तों, अब इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वह आ रही है गूगल क्रोम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फाइनली अब गूगल क्रोम जो है एंड्रॉयड के अंदर 64-bit के अंदर आपको देखने को मिलेगा V85 सपोर्ट के साथ, जिससे परफॉर्मेंस जो है उसकी बूस्ट होगी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये जो है एंड्रॉयड 10 डिवाइसेस के लिए जो है जो
जिसके अंदर एंड्रॉयड 10 है उन डिवाइसेस के लिए रोल आउट किया जाएगा। वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है मोटोरोला की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस आज दिन में 12 बजे के साथ ही सेल पे जा सकता है या चला गया है, और ये फ्लिपकार्ट पे जो है वो सेल पे जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसके अंदर ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 730G SoC देखने को मिलेगा और 6GB ऑफ रैम देखने को मिलेगी। बाकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी प्राइस जो है वो 16,999 रुपये रखी गई है। वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगले टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है प्ले स्टेशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्ले स्टेशन 5 को टीज किया गया है और ये बताया जा रहा है कि वो अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट पे जो है लेट 2020 में जो है वो सेल पे जा सकता है, यानी कि 2020 के आखिरी तक में ये जो है प्ले स्टेशन 5 वो सेल पे जाएगा। वहीं दोस्तों इसके बाद आज की आखिरी टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है सैमसंग की ही तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M01S को ऑफिशियली जो है सपोर्ट पेज रिवील किया गया है, जिसमें ये पता चलता है कि 3GB की रैम वेरियंट के साथ आपको ये मोबाइल जो स्मार्टफोन है देखने को मिलेगा, जो कि जल्द ही इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की टेक न्यूज़ में कुछ उपयोगी जानकारी मिले होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।